मेरे बालों को आज कलर करने वाली हूँ आप लोगों के सामने। तो यस, जैसे कि सबको पता है एंड आप लोग ऑलरेडी टाइटल देख के जान चुके हो कि मैं कौन सा वाला कलर करने वाली हूँ। तो जी हाँ, आज मैं करने वाली हूँ स्ट्रिक्स अल्ट्रा हाईलाइट किट। तो यस, आज मैं मेरे बालों को करूँगी हाईलाइट। तो जैसे कि मैं बहुत सारा कलर ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ, आप लोगों ने खुद देख चुके हो वीडियो में, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, गोल्डन, बहुत कुछ। बट आज मैं करने वाली हूँ ट्राई वाइब्रेंट रेड शेड। तो ये है, एंड कभी भी मैं मेरे बालों पे वाइब्रेंट रेड कलर नहीं यूज़ किया, तो आज फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ एंड देखते हैं इसके रिजल्ट कैसा आता है। तो ये मैंने परचेस की है अमेजोन से, तो 360 रुपीस में मुझे ये दो पैकेट मिला है, देख सकते हो। तो अभी गाइस मैं आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना टू स्टेप में हमारा हेयर कलर कम्प्लीट होगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपको करना है बालों को ब्लीच। तो यहाँ पर मुझे, मैं आपको दिखा देती हूँ मुझे क्या क्या रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले है ये कंडीशनर एंड ग्लव्स भी मुझे रिसीव हुआ है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने वाली हूँ, एंड ये दो पैकेट की कंडीशनर। फिर उसके बाद एक डिस्क्लेमर जिसमें सब कुछ लिखा है कि कैसे आप इसे अप्लाई करोगे। एंड फिर यहाँ पर फर्स्ट मुझे जो रिसीव हुआ है ये है स्टेप वन। तो स्टेप वन में मुझे मिक्स करना है ब्लॉन्डर एंड डेवलपर। तो ये दो पैकेट आई है, देख सकते हो। तो ब्लॉन्डर की एक है एंड एक है डेवलपर, एंड उसके साथ कुछ इस तरह की एक कॉम्ब ब्रश जिससे मुझे मिक्स्ड करना है स्टेप वन को। एंड स्टेप टू में एक डेवलपर एंड कलर क्रीम एंड साथ ही साथ एक ब्रश भी रिसीव हुआ है। तो चलो अभी अप्लाई करते हैं। ओके, अभी मैं रेडी होके आ गई। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि नीचे की सारे बाल को मैं कलर कर दूंगी। एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माय गमछा, क्योंकि ब्लीच इतना ज़्यादा हाई होता है ना इसकी पावर, कि ये जो ड्रेस मैं पहनी हुई हूँ ना, इसके कलर भी जा सकता है। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक गमछा ले ली। तो सॉरी फॉर देट एंड मेरी बैकग्राउंड को ज़रूर इग्नोर करना। तो चलो अभी अप्लाई करते हैं। तो ये ना डेवलपर एंड ब्लॉन्डर मिक्स करने के बाद इसके कलर कुछ थोड़ा सा ब्लूएस्ट कलर में ट्रांसफर हो गया। तो अभी चलो इसे अप्लाई करती हूँ मैं नीचे की तरफ, जितने भी सारे मेरे नीचे के बाल है, पूरी बालों को मैं करने वाली हूँ आज हाईलाइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं अप्लाई करना। सो गाइस, फाइनली मेरे यहाँ पर हो गई है कंप्लीट। तो मैंने कुछ इस तरह से बालों को रैप कर ली है फॉइल पेपर से। तो अभी चलो आते हैं मेन बातों पे। मैंने जितने भी आज तक जितने भी सारा हेयर कलर की वीडियो अपलोड दिए, सब में एक ही कमेंट, क्या ये केमिकल फ्री है और क्या ये बालों को डैमेज करता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि ये ना बालों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जिसकी बाल जिसका बाल जैसे हो, मेरे बालों पे ये डैमेज होता है बिल्कुल। अभी मैं आपको ये नहीं बता सकती कि सब बालों पे क्या ऐसे ही होता है, आई डोंट नो, बट मेरे बालों पे ये थोड़ा डैमेज कर देता है। अगर मैं रेगुलर महीने में दो बार कर लेती हूँ तो ये मेरे बाल डैमेज कर देता है। तो बस यही है। एंड हाँ, इसे ना आप इस ब्लीच को आप हाथों से बिल्कुल भी मत अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अप्लाई करते हो तो हाथ पे कुछ इस तरह से होने का चांसेस है। तो इसे बिल्कुल भी हाथों से मत अप्लाई करना।
तो चलो अभी ना मैं इसे 1 आवर तक रखने वाली हूँ। बेसिकली इसमें लिखा है कि 10 मिनट्स तक, बट मेरे बाल बहुत ज्यादा ब्लैक है तो इसलिए मैं इसे 1 आवर तक रखूंगी। तो अभी चलो 1 आवर के बाद मिलती हूँ आपसे, टाटा। सो गाइस, आफ्टर 1 आवर आई एम बैक। तो अभी मैं आप लोगों के सामने इसे खोलने वाली हूँ एंड देखने वाली हूँ कि रिजल्ट एग्जैक्टली कैसे मिला है। तो फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट चलो देखते हैं। See the first result. Oh my god, color, wow guys, इसके color बहुत 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 खूबसूरत color आया है इसका। तो अभी सारे के सारे open कर लेते हैं जल्दी से, चलो। सो गाइस, फर्स्ट ब्लीच की यानी कि फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट कुछ इस तरह से आया है। तो उतना ज़्यादा मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, बट फिर भी देखते हैं। इसे मैं पहले वॉश करूँगी, फिर ड्राई होने दूंगी, फिर इसके बाद स्टेप 2 पे चलते हैं। तो चलो ओके। सो अभी मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये है ड्राई होने के बाद रियल कलर। तो यस, तो उतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग कलर तो नहीं है, बट फिर भी अच्छा वाला ही आया है। इसे मैं 8 out of 10 देना चाहूँगी। तो चलो अभी ज़्यादा बकबक नहीं, डायरेक्टली स्टेप 2 पे जाते हैं। तो स्टेप 2 पे भी हमें यहाँ पर मिक्स्ड करना है डेवलपर एंड कलर क्रीम। तो चलो जल्दी से इसे झटपट मिक्स कर लेते हैं। गाइस, तो इसे कहता है रियल वाइब्रेंट रेड कलर। कितना ज़्यादा रेड है देख सकते हो आप खुद। अभी मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ मेरे बालों पे। तो चलो जल्दी से करते हैं एंड जहाँ जहाँ मैंने ब्लीच किया है ठीक उसी जगह पे मैं इस रेड कलर को अप्लाई कर दूँगी। तो गाइस, मुझे पता है इस वीडियो में भी मेरे नेगेटिव कमेंट भर भर के आने वाला है, क्योंकि ये देखो मेरे हाथों की हालत। एंड अभी मैं जाके ड्रेस भी चेंज करके आई, क्योंकि जो ड्रेस मैं पहनी हुई थी ना उस ड्रेस में पूरा कलर लग गई एंड ख़राब भी हो गया। तो इसलिए मैंने अभी जाके ड्रेस चेंज भी करके आई। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो इसे मैं रखने वाली हूँ 1.5 आवर, फिर इसके बाद इसे मैं रिमूव करूँगी एंड फिर वॉश करके फाइनल रिजल्ट आपको दिखाऊँगी। तो चलो अभी के लिए टाटा नहीं, जस्ट वेट करो, मैं अभी लौट के आती हूँ। सो गाइस, आप लोग देखने के लिए रेडी हो कि रिजल्ट कैसे आया है? तो यस, योर्स द रिजल्ट आप लोगों के सामने है।
तो ये है फाइनल रिजल्ट, आपको अच्छी तरह से दिखाती हूँ। एकदम से जो परफेक्ट वाला वाइब्रेंट रेड कलर है ना, बिल्कुल सेम ही आया है। एंड आज तक मैंने जितने भी सारे जितने सारे स्टिक्स की शेड्स यूज़ किया है ना, सबसे बेटर मुझे यही वाला लगा। देख सकते हो आप खुद इसकी कलर कितना ज़्यादा वाइब्रेंट है। मैं आपको पास से फिर से दिखाती हूँ, पास से जो आप देख पा रहे हो सही कलर आया है यहाँ पर, बिल्कुल जैसे कि मेंशन किया था उन लोगों ने पैकेट पे, सेम कलर ही मुझे आया यहाँ पर मेरे बालों पे सेम। तो मैं आपको एक बार पीछे से भी दिखा देती हूँ, चलो। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, एंड अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जो मेरी वीडियो में न्यू हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना, एंड चैनल में भी अगर न्यू होते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अभी के लिए टाटा।